पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करने जीतू पटवारी आज भोपाल के एक निजी पेट्रोल पंप पर साइकिल से पहुंचे। जीतू पटवारी ने पेट्रोल और डीजल की वजह से बढ़ती महंगाई को लेकर यहां पर आम जनता से 121 आपको माफ कीजिए 1-to-1 चर्चा उन्होंने की, और साथ ही जीतू पटवारी मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जनता कोरोना की वजह से बेरोजगारी की मार झेल रही है, वहीं नरेंद्र मोदी जनता पर महंगाई की चाबुक मार रहे हैं। जब लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था मंदी हुई तब आपको बढ़ाना घटाना था रेट, सहायता करनी थी जनता की, तो आपने रेट बढ़ा दिए, महंगाई के चाबुक मार दिए, जो गलत है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है पूरे देश में महंगाई कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, ये आज के देश के एक एक नागरिक की आवाज है, इसको पहचानो। तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी साइकिल से पहुंचे पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का उन्होंने विरोध जाहिर किया। हालांकि इस बीच उन्होंने आम जो लोग थे उनसे भी बातचीत की थी, और वहीं पीएम मोदी पर उन्होंने निशाना साधा अपनी बातों में। तो कैसे साइकिल से पहुंचे जीतू पटवारी और कैसे उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को जाहिर करने के लिए साइकिल का सहारा लेकर विरोध जाहिर किया, ये तस्वीरें भी आप देखिए।